आपने अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम संतोषी को उसके ससुराल यानी कि कटिहार छोड़ दिए हैं दोनों बच्चों को। अभी कुछ दिन वो वहाँ पे रहेगी क्योंकि बाबू का गर्मी छुट्टी हुआ है, तो अब बाबू के छुट्टी के हिसाब से ही हमें घर जाना होता है। तो अभी वो कुछ दिन अपने ससुराल में रहेगी, उसके बाद फिर मायके जाएगी बाद में। और मेरा अभी छुट्टी नहीं हुआ है, हमको ड्यूटी करना था तो हम वापस आ गए हैं मालदा। और अभी मेरा इवनिंग ड्यूटी, हमको जाना है। कुछ दिन हमको दिक्कत होगा, कुछ दिन हमको बैचलर वाला लाइफ जीना होगा। ज़्यादा दिन नहीं, एक ही हफ्ता का बात है, अगला हफ्ता हम भी छुट्टी ले लेंगे। छुट्टी के लिए आवेदन दे दिए है और वो मंजूर भी हो जाएगी क्योंकि हम 3 महीना से छुट्टी नहीं लिए हैं, तो छुट्टी आराम से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए यहीं से ब्लॉग का अपना स्टार्ट करते हैं। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका बिल्कुल नए ब्लॉग पे। हमको कुछ काम करना है, सबसे पहले तो खाना हमको बनाना है अपने लिए क्योंकि मेरा 2 बजे से ड्यूटी है। तो खाने में हमको सिर्फ चावल बनाना होगा, सब्जी हमको संतोषी सुबह बना करके दे दी है टिफिन में। इतना हो जाना चाहिए लगता है, वैसे भी अकेला आदमी हम कितना खाएंगे। तो हमारा चावल चढ़ चुका है, आधा पक भी गया है। और चलिए हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो हम जो है एक दो पौधा लेकर के आए थे, जिसमें से एक पौधा हम लगा दिए है और कितना अच्छा से इसमें फूल भी खिल गया है। लेकिन एक पौधा हम नहीं लगाए थे मिट्टी के कारण, मिट्टी नहीं मतलब ला पा रहे थे, पानी जमा हुआ था। तो ये वाला पौधा है, इसको हमको लगाना है और हम मिट्टी ले आए हैं, मिट्टी भी भर लिए है इसमें। तो आज हम इसको लगा देते हैं। A few moments later. हमने इस वाले पौधे को जो है लगा लिया है, कंप्लीट कर लिया है इस गमले में। अब इसको हम बालकोनी में एक जगह चुन लेते हैं, पहले से चुना हुआ है कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर में हम जो है अपना गमला को लगा दिए है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पे हम ये कपड़े से बांध दिए हैं, फिलहाल तार नहीं था मेरे पास, तार से बांधने से और खूबसूरत लगता, तो फिलहाल हम बांध दिए इसको। और आइडिया ये है कि यहाँ पे लगेगा और धीरे धीरे ये लत जो है इस तरीके से लगते हुए इस तरीके से पूरा यहाँ पे इस तरीके से बालकनी का ये पूरा कॉर्नर से आ करके और यहाँ से ये पूरा इस तरीके से लत आ जाएगा। तो ये पूरा बालकनी जो है एकदम यहाँ से ले करके इस तरीके से ये लत जब कवर कर लेगा और जब फूल खिलेगा तो काफ़ी मस्त लगेगा बालकनी। चावल यहाँ बन के रेडी है, अब काम है हमको सिर्फ नहाना है और उसके बाद रेस्ट करने का तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 1 बजने वाला है, इसलिए रेस्ट नहीं कर पाएंगे। 2 बजे तक हमको ड्यूटी पहुँच जाना है, मतलब 1:15 बजे तक यहाँ से निकल जाना है घर से। तो जल्दी से नहा लेते हैं, खाना पीना खा के फिर ड्यूटी निकल। 5:15 बजने वाले हैं, 6:46 हो रहा है और क्या जोरदार तूफान उठाया है। ऑफिस के पीछे वाला हिस्सा है। 6 hours later. जस्ट अपना हम इवनिंग ड्यूटी खत्म करके आया है और हम खाना होटल में ही खा लिए थे, बहुत थक गए हैं, अब सीधा सो जाएंगे और फिर से कल मॉर्निंग ड्यूटी हमको सुबह जाना है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ ड्यूटी ही कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जब संतुष्टि थी घर में तब पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी पता चल रहा है। Tomorrow. भाई अभी सुबह हो गया है, मेरा आँख ही नहीं खुल रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें, ड्यूटी तो जाना होगा, चलिए उठ जाते हैं। मुँह हाथ वगैरह तो धो लिए है, चाय वाय नाश्ता तो हमको मिलेगा नहीं यहाँ पे, और वैसे भी हमको उठने में लेट हो गया, अब भाग करके हमको जल्दी से ड्यूटी जाना होगा। मच्छरदानी को भी हमको समेटने का अभी टाइम नहीं है। और यहाँ पे देखिए धूप भी कितना उठ चुका है, मैंने अभी 6:30 बज रहा है, तो जल्दी से चलते हैं ड्यूटी, फिर आएंगे तो फिर जो बचा हुआ कुछ काम है घर का कर लेंगे। सर से हमने 20 मिनट का छुट्टी लिया है नाश्ता करने के लिए, तो जल्दी से नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद फिर ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। आमलेट आमलेट हाँ। फाइनली जो है हम अपना मॉर्निंग ड्यूटी ख़त्म करके आ गए हैं और क्या बताएं घर का क्या स्थिति हुआ है, वाइफ के जाने के बाद जो मेरा हाल हुआ है, अभी हम आपको दिखाते हैं अपना घर का हाल, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या हाल हो गया मेरा। तो ये देखिए, ये जो है हम सुबह उठे थे लेकिन मच्छरदानी नहीं समेट सके हैं, एकदम जल्दीबाजी में उठे थे, भाग भाग के हम ड्यूटी गए हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि और क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए किचन रूम में अभी तक जो है हम बर्तन को नहीं साफ किए, कल रात का ही बचा हुआ है। इधर देखिए कचरा वैसे का वैसे पड़ा हुआ है किचन रूम में, अभी और दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम वॉशिंग मशीन के ऊपर इतना सारा कपड़ा अभी रखे है, इसको अभी धोना है,
तो मतलब यही है कि मेरा जो है ज़िंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। और संतोषी यानी कि मेरा वाइफ को जाने से तीन दिन ही, मैंने तीसरा दिन है आज, अब तीन दिन कंप्लीट भी नहीं हुआ है और मेरा एकदम ज़िंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन खुशी का यही बात है कि ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और एक दिन का बात है, मतलब कल हमको मॉर्निंग ड्यूटी जाना है और फिर हम आएंगे 8 घंटा का फिर हमको रेस्ट मिलेगा और उसके बाद फिर हम जाएंगे नाइट ड्यूटी। और नाइट ड्यूटी करके मेरा ख़त्म ड्यूटी, छुट्टी के लिए आवेदन दिए थे, आवेदन जो है मेरा मंजूर हो गया है। 10 दिन अभी घर में रहेंगे, 7 दिन का छुट्टी है, 2 दिन मेरा शेड्यूल रेस्ट है और 1 दिन नाइट करके जाएंगे, तो टोटल 10 दिन हो जाएगा। यानी कि 10 दिन हम घर में जाके रहेंगे और सबसे ज़्यादा याद हमको आ रहा अपना बेटी का, दिविशा का। तो बस यही खुशी का बात है कि बस अब 1 दिन का और बात है, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा, फिर हम संतोषी को अपने साथ लेके भी आ जाएंगे। तो जो भी है चलिए कोई बात नहीं, ये सब काम मतलब थोड़ा सा बैचलर वाला लाइफ हो गया है तो ऐसा ही होता है, बैचलर वाला लाइफ, ठीक है। तो अभी हम होम थिएटर बजा लेंगे, उसमें हिमेश रेशमिया का गाना लगाएंगे। जब हम 9-10 में थे तो उस समय बजता था और हम जब भी वो गाना सुनते हैं हिमेश रेशमिया का कोई भी गाना सुनते हैं पुराना वाला, तो हमको एकदम अपना 9-10 वाला दिन याद आ जाता है। तो गाना लगा देंगे, गाना लगा करके हम काम करेंगे, बर्तन धोएंगे, कपड़ा धुला जाएगा, इधर मच्छरदानी समेट लेंगे और घर उड़ भी जो है हम झाड़ू नहीं दिए हैं तो उसको झाड़ू दे देंगे, ठीक है। तो जब तक हम अब काम करते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।